सरगुजा जिले के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर एक्स्ट्रा आमदनी बढ़ाने की ओर कदम रख रहे हैं। ग्राम भगवानपुर खुर्द के किसान लाल बहादुर सिंह भी स्ट्रॉबेरी की खेती उन्होंने शुरू की है और जमकर फायदा होने पर इस खेती के लिए उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। इलाके के दूसरे किसान भी अब उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल किसानों के लिए कई योजनाएं ला रहे हैं और किसान भी इन योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। दरअसल अंबिकापुर उद्यानिकी विभाग से जुड़कर यहां के किसान लाल बहादुर सिंह ने पहले तो स्ट्रॉबेरी की खेती करने का तरीका सीखा, फिर स्ट्रॉबेरी की पौधे खरीदे, जिसके लिए उद्यानिकी विभाग ने सब्सिडी दर पर रकम भी मुहैया कराई। मेरे को खेती का स्ट्रॉबेरी के बारे में पहले जानकारी नहीं था। मेरे को स्ट्रॉबेरी की जानकारी हॉर्टिकल्चर से मिला। इसके बाद वो साहब लगाने के लिए बोले मेरे को कि स्ट्रॉबेरी में महंगा बिकता है, ये रेट बिकता है, तो मैंने स्ट्रॉबेरी लगा लिया। भूपेश सरकारी ये जो योजना चला रहे हैं हॉर्टिकल्चर से, ये बहुत अच्छा योजना है और इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो रहा है स्ट्रॉबेरी। अंबिकापुर विकास खंड में आने वाले गांव भगवानपुर खुर्द के लाल बहादुर सिंह के पास खेती की जमीन का कुल रकबा 1.98 हेक्टेयर है। पहले परंपरागत खेती से बड़ी मुश्किल से ही उनका गुजारा होता था। उद्यानिकी विभाग के संपर्क में आकर उन्होंने खेती में नए प्रयोग किए और आने वाली चुनौतियों को एक्सेप्ट किया। इससे आमदनी के नए मौके बने, जिसके शानदार नतीजे आज सामने आ रहे हैं। लाल बहादुर सिंह ने उद्यान विभाग से चलने वाले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मदद लेकर 0.50 हेक्टेयर जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। किसान लाल बहादुर सिंह ने 50,000 रुपए की लागत लगाकर इस खेती की शुरुआत की, जिसमें करीब 15 क्विंटल स्ट्रॉबेरी तैयार करते हुए किसान ने 2 से 2.5 लाख रुपए स्ट्रॉबेरी बेचकर कमाए। जैसे लगाने के बाद में 1 महीने के बाद में उसका फ्रूटिंग चालू हो गया फलना, तो मेरे को दिखा कि नहीं, हाँ बेचने लगा मार्केट में, तो 350-400 रुपये किलो जाने लगा। इसके बाद में उसमें मैं मेहनत और करता था, खाद वगैरह सब अच्छे से देता था, तो मेरे को ऐसे ही हर एक दिन में 30 से 35 किलो टूटता था। ऐसे करते करते 1.5 लाख रुपये तक उसमें आमदनी मेरे को हुआ। हमारे किसान लाल बहादुर के द्वारा आधा एकड़ में स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई गई, जिस पर उनके द्वारा 50 से 60 हज़ार रुपये उस पौधे और जो है खाद दवा पे खर्च किया गया। 15 क्विंटल के आसपास उनसे उन फसल से उसका उत्पादन हुआ और उनके द्वारा जो है 2.5 लाख के आसपास का जो है 2.5 से 3 लाख रुपए के द्वारा उनका जो है स्ट्रॉबेरी बिका और शुद्ध लाभ 2 से 2.5 लाख के बीच में उनको प्राप्त हुआ। सरगुजा जिले में करीब 25 हेक्टेयर जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है, जिसमें 51 किसानों को इसका फायदा मिला है। किसान लाल बहादुर सिंह का भी मानना है कि कम लागत में कम जगह पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान अपने आय को और बढ़ा सकते हैं और इस योजना से जुड़कर वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रहे हैं। दीपक कश्यप, अंबिकापुर, बंसल न्यूज़।